हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई वेलकम यू इन योर इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर एंड इन द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी. द स्टोरी इज लर्निंग टू से एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फैमिली. मीन्स ये स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी जो फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब एंड यू नो दैट आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो एक स्टोरी है लर्निंग टू शेयर एंड चैप्टर सेकंड जो है वो आपका है द फर्स्ट ट्रूथ. बोथ चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन फैमिली. इन दोनों चैप्टर में हमें फैमिली से जुड़ी हुई स्टोरी पढ़ने को मिलेगी. ओके, सो यू नो दैट आवर फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू अस. हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? हमारी फैमिली. सबसे ज़्यादा लव हम किसे करते हैं? अपनी फैमिली मेम्बर से. क्यों करते हैं? फैमिली मेम्बर्स लव अस, केयर फॉर अस, प्ले विद अस एंड सपोर्ट अस. फैमिली के जो मेम्बर्स जैसे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये सब आपकी केयर करते हैं, आपसे लव करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स, और वो आपकी सपोर्ट करते हैं. हाउ दे सपोर्ट अस? कैसे हमारी सपोर्ट करते हैं वो? इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम दे हेल्प अस. सपोज दैट आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स हेल्प अस इन स्टडी. ओके, तो इस तरीके से हमारी फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमें हमारा केयर करती है और हमें सपोर्ट करती है और हमें लव करती है. इसलिए तो हम फैमिली को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते. यस, नेक्स्ट. इन दिस थीम यू विल रीड अ स्टोरी एंड अ पोयम रिलेटेड टू फैमिली. सो इस थीम में चैप्टर फर्स्ट वी विल रीड, इट इज बेस्ड ऑन फैमिली. So, can you guess that what's the meaning of sayer? I tell you, sayer means giving, means dena. And what's the meaning of learning? Learning means learn, seekhna. तो ये आपकी आपकी जो स्टोरी है इसमें हम सीखेंगे sharing, मतलब देना. अब यहाँ पे देने से means ये हुआ शेयरिंग. हम किसी चीज़ को दे सकते हैं, जैसे थिंग्स को देना भी शेयरिंग होता है. अपनी कोई सामान जैसे बुक्स, पेंसिल, कह सकते हैं अपनी फ्रॉक, अपनी ड्रेस किसी को देना. और दूसरी चीज़ है फीलिंग्स को भी हम शेयर करते हैं, जैसे अपनी बात किसी को शेयर करना. अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं ना, अपने और अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं. इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ आता है तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो इस तरीके से आप नॉलेज शेयर करते हैं. तो ये होता है आपका शेयर. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स बिगिन. हैप्पी रीडिंग. सो आई होप आपको समझ में आ गया. और शेयरिंग मीन्स क्या होता है? गिविंग, देना. ओके, बिफोर गोइंग द टॉपिक वी विल लुक एट द सम पिक्चर्स. I hope you are watching this picture. Okay, look at the first picture and guess what is happening in this picture. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? We can see that a lady that is called Saif is giving the food to a person. Means यहाँ पे एक लेडी जो है वो इस पर्सन को फूड ऑफर कर रही है. मीन्स ये चीज को शेयर कर रही है, अपना फूड इससे शेयर कर रही है, दे रही है. ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड पिक्चर. व्हाट कैन यू सी? ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट अ लेडी, देयर आर मेनी गर्ल्स एंड अ लेडी इज रीडिंग द बुक and other girls are listening the stories, whatever she is telling, other girls are
लिसनिंग मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं एक लेडी जो है वो बुक पढ़ के सुना रही है और अदर गर्ल्स जो है वो सुन रही हैं। तो यहाँ पे क्या शेयर हो रहा है, द लेडी इज शेयरिंग द नॉलेज, ज्ञान, अपना नॉलेज शेयर कर रही है। ओके तो यहाँ भी शेयरिंग हो रहा है। नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, हियर वी कैन सी दैट हियर इज अ लेडी एंड सी इज ऑफरिंग द स्लीपर टू द गर्ल्स, देर आर टू गर्ल्स एंड द गर्ल्स आर इन बेयर फुट, मतलब इनके पैरों में स्लीपर नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो इट सीम्स दैट दे आर पुअर, सो द काइंड लेडी इज शेयरिंग द स्लीपर टू द गर्ल्स, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी वो अपनी चीज शेयर कर रही है, अच्छा काम कर रही है, शेयरिंग इज अ गुड नेचर। नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, हियर अ बॉय, बॉय इज शेयरिंग द फूड टू द हंग्री गर्ल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉय जो है एक हंग्री गर्ल को अपना फूड दे रहा है। सो ही इज डूइंग ऑल्सो गुड वर्क, ही इज शेयरिंग हिज फूड। ओके कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, इन दिस पिक्चर वी आर वॉचिंग दैट देयर आर टू गर्ल्स एंड अ लेडी, इट सीम्स दैट द लेडी इज द मदर ऑफ टू गर्ल्स। आर यू लुकिंग द पिक्चर, देयर आर टू गर्ल्स, ओके एंड शी इज द मदर ऑफ द गर्ल्स, द गर्ल्स आर ऑफरिंग द फूड टू द वेगर्स। यहाँ पे गर्ल्स जो है वो वेगर्स को फूड ऑफर कर रही है, दे आर वेगर्स, सो इट सीम्स दैट दे आर डूइंग द गुड वर्क, दे आर शेयरिंग थिंग्स। सो अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर? अभी तक हमने जो पिक्चर देखा इसे आपको क्या समझ में आया? हमें यही समझ में आया दे आर डूइंग द गुड जॉब, दैट इज शेयरिंग। सो इन दिस थीम दैट वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी, इन दिस स्टोरी वी विल नो अबाउट द शेयरिंग नेचर। ओके अ क्वेश्चन, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड सेल्फिश एंड काइंड? मतलब ये दो वर्ड्स हैं सेल्फलेस एंड काइंड, इन दोनों वर्ड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए यू आर वेरी सेल्फिश, सेल्फी मीन्स कहते हैं स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, बट यहाँ पे क्या है सेल्फलेस है, ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचता हो, गुड नेचर पर्सन हो, उसके लिए बोलते हैं सेल्फलेस। सो इट इज अ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट आपका काइंड, काइंड मीन्स मर्सी, वन हू कीप्स पिटी फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए दया रखे, दया की भावना रखे। ओके तो आल्सो काइंड इज अ गुड जॉब, गुड क्वालिटी। ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक्स द स्टोरी विल बी अबाउट? ना अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी ये किस पे है, गेस करिए। यस द स्टोरी जो है वो एक गुड क्वालिटी शेयरिंग पे है। ओके सो लेट्स बिगिन रीडिंग जंक्शन, शेयरिंग ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू एवरीवन, लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट फोर सिस्टर्स हु एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ शेयरिंग वन क्रिसमस मॉर्निंग। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या बताता है कि जो शेयरिंग नेचर है वो हर किसी के लिए हैप्पीनेस लाता है। अगर अपनी कोई चीज़ हम किसी को देते हैं तो हमें हैप्पीनेस फील होता है, प्राउड फील होता है कि हमने तो अच्छा काम किया है। ठीक है तो ऐसे ही स्टोरी जो है ये फोर गर्ल्स की है जो शेयरिंग का इंजॉय करती हैं, मतलब अपनी चीज़ें देने के बाद उनको हैप्पीनेस फील होता है,
वो सिचुएशन कब की है, क्रिसमस मॉर्निंग की है। मतलब ये स्टोरी जो है वो एक फेस्टिवल से शुरू होती है। अंडरस्टूड? आई थिंक यू नो दैट व्हेन वी सेलिब्रेट क्रिसमस, ओके, 25 दिसंबर को मनाते हैं ना। ओके, सो कम टू द स्टोरी। क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग, देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द एयर। ममा वॉज एट होम एनी मोमेंट। मैग गॉट अप टू लाइट द लैम्प। जो पिक्ड अप हर स्लीपर एंड बॉट देम नियरर टू द ब्लेज। जैसा कि आपको पता चला अभी, देर आर फोर गर्ल्स, और यहाँ पे जो उनकी मदर जो है, मदर इज़ अ वर्किंग लेडी, मीन्स वो काम करने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर जाती हैं। और टाइम है क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है कम टू नियर, नज़दीक आना, पास आना। मेरी क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो करीब आ रहा है। और इस तरीके से एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, हर कोई खुश है, और हवाओं में भी खुशी का माहौल है। उत्सव मतलब फेस्टिवल आने वाला है, आप सभी भी हैप्पी होते हो ना, फेस्टिवल आने वाला होता है, प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। ममा जो है गर्ल्स की, वो अभी घर पे हैं, वो भी काम के लिए जाने बाहर निकलने वाली हैं। सो वन गर्ल्स दैट इज मतलब वन गर्ल्स हु इज मैग, मतलब मैग ने एक गर्ल जो है, इसका नेम है मैग, वो क्या करती है, जल्दी से लाइट द लैम्प टू लाइट, लाइट मीन्स होता है जलाना, ओके, लैम्प जलाती है क्योंकि रूम में अंधेरा था। आपको पता है कि दिसंबर के मंथ में कितना वो होता है ना, विंटर सीजन होता है, और जो नाइट है वो भी मतलब डार्क रहती है ना, बिकॉज ऑफ द फॉग, कोहरे की वजह से। इस तरीके से रूम में अंधेरा था, तो माँ जो मैग जो है वो लाइट जलाती है, लैम्प जलाती है, ओके। तो वन गर्ल इज मैग एंड द सेकेंड गर्ल जो, ओके, जो पिक अप हर स्लीपर, जो जो दूसरी गर्ल है वो माँ का स्लीपर लेकर आती है। एंड ब्रॉट देम नियरर टू द ब्लेज, ब्लेज में सोता है जो अभी लाइट जला ना, उसकी जो उजाला है, ओके, तो उजाले में ला के माँ का स्लीपर रखती है। हु? जो। सो यू नो दैट टू गर्ल्स यहाँ पे आ चुकी हैं सीन में, मैग एंड जो। नेक्स्ट, देयर आर क्वाइट्स वॉर्न आउट, ममा मस्ट हैव अ न्यू पेयर, जो स्लीपर रखते हुए बोलती है, दे आर क्वाइट वॉर्न आउट। वॉर्न आउट इज मेड ऑफ वियर, मतलब जो माँ का जो स्लीपर है वो काफ़ी समय से पहना जा रहा है, सो अब वो कह सकते हैं रफ हो गया है, ओके, इसलिए ममा को एक नया स्लीपर ले लेना चाहिए। हु इज सेइंग दिस, जो, ओके, जो इज सेइंग दिस। नेक्स्ट, आई टेल यू व्हाट्स विल डू, सेड बेथ, बेथ इज अ थर्ड गर्ल, तीसरी गर्ल कौन है, बेथ, बेथ बोलती है आई विल टेल यू व्हाट विल डू, मतलब मैं बताऊंगी हमें क्या करना है। इट सीम्स दैट दे आर प्लानिंग समथिंग, किसी चीज की प्लान कर रही है वो, लेट्स लुक, देखते हैं क्या होता है। सो बेथ इज सेइंग दैट लेट्स ईच गेट हर समथिंग फॉर क्रिसमस एंड नॉट गेट एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ, देयर इज अ गुड प्लान। प्लान क्या है, वो गर्ल्स प्लान क्या कर रही हैं, चलो हम कुछ लेते हैं, गेट्स हर समथिंग, मतलब माँ के लिए हम कुछ लेते हैं, क्या समझकर, मैरी क्रिसमस का गिफ्ट समझकर हम माँ को, माँ के लिए कुछ लेते हैं और अपने लिए इस बार कुछ नहीं लेंगे। आपने देखा होगा ना फेस्टिवल में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वो ड्रेस हो या कोई कोई थिंग्स हो जो आप चाहते हो, अपने की फैमिली मेम्बर्स आपको गिफ्ट करते हैं। सो ऐसे यहाँ भी गर्ल्स क्या करें, इस बार हम कोई गिफ्ट नहीं लेंगे और माँ के लिए हम कुछ खरीदते हैं। सो आई थिंक द गर्ल वॉज वेरी गुड नेचर ना, गर्ल्स वर वेरी नोवेल गर्ल्स एंड गुड गर्ल्स। नेक्स्ट, मैग अनाउंस्ड आई विल गेट हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स, मैग बोलती है, अनाउंस में सोता है तेजी से बोलते हुए सबके सामने, आई विल गेट हर अ नाइस
पेयर ऑफ ग्लव्स. ग्लव्स मीन्स जो दस्ताने होते हैं हाथ पे पहनने वाले ग्लव्स. मैं माँ के लिए एक अच्छा सा दस्ताना लाऊंगी, एक जोड़े दस्ताने लाऊंगी. नेक्स्ट आर्मी सूज क्राइड जो. जो क्या बोलती है? आर्मी सूज. आर्मी सूज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है. ओके तो जो बोलती मैं माँ के लिए आर्मी सूज लाऊंगी. ओके नेक्स्ट हैंकर चीफ सेट बेथ. बेथ इज सेइंग दैट आई ब्रिंग फॉर मदर हैंकर चीफ. मैं माँ के लिए क्या लाऊंगी? हैंकर चीफ लाऊंगी. ओके द गर्ल्स आर प्लानिंग. कई सारे प्लानिंग कर रही हैं गर्ल्स. नेक्स्ट आई मे गेट हर अ लिटिल बॉटल ऑफ कोलन. आई एम नॉट श्योर एडेड एमी. देखिए फोर्थ गर्ल कौन सी है? एमी. ओके एमी क्या बोलती है? आई मे मीस होता है हो सकना, मतलब मैं ला सकती हूँ क्या? अ लिटिल बॉटल ऑफ कोलन. स्टूडेंट्स कोलन मीन्स होता है परफ्यूम. ओके जो आप सेंट है ना होम पे रहता है सेंट, आप उसको छिड़कते हो तो वो अच्छी स्मेल आती है, उससे एसेंस होता है. तो एमी बोलती है मैं हो सकता है माँ के लिए कोलन का बॉटल लाऊं, मतलब एक बॉटल परफ्यूम का लाऊं, बट आई एम नॉट श्योर. लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मैं वही लूं, हो सकता है कुछ और भी ले सकती हूँ. नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट डे व्हेन ममा वाज आउट द गर्ल्स वेंट शॉपिंग. बाय द टाइम ममा केम होम इन द इवनिंग दे हैड द गिफ्ट्स रेडी. अगले दिन क्या होता है? ममा वाज आउट. ममा वाज आउट मीन्स ममा अपने काम से बाहर है, अपने जॉब के लिए गई हैं बाहर. एंड गर्ल्स वेंट फॉर शॉपिंग. अब गर्ल्स ने प्लान किया था ना कि वो माँ के लिए कुछ ना कुछ लाएंगी. सो गर्ल्स वेंट फॉर शॉपिंग. गर्ल्स शॉपिंग पे जाती हैं. बाय द टाइम ममा केम होम इन द इवनिंग. उसी समय ममा जो है वो शाम को घर आ जाती है. दे हैड गिफ्ट्स रेडी. गर्ल्स जो हैं वो अपना गिफ्ट्स रेडी रख रखी हैं. ओके नेक्स्ट ऑन क्रिसमस मॉर्निंग. फाइनली क्रिसमस का की सुबह आती है. टुडे इज क्रिसमस. सो द गर्ल्स वोक अप टू ब्यूटीफुली कवर्ड बुक्स अंडर देयर पिलोज. अब व्हाट हैपेंड? क्या होता है? गर्ल्स वोकअप. वोकअप इज वेकअप का सेकेंड फॉर्म है. वोकअप मतलब गर्ल्स जगी, उठी तो उन्होंने क्या देखा? ब्यूटीफुली कवर्ड बुक्स अंडर देयर पिलो. उनके पिलो के नीचे अच्छे अच्छे कवर लगे हुए बुक्स रखे थे. सो इट वॉज अ सरप्राइज. चलिए देखते हैं सरप्राइज किसकी तरफ से है ये. ओके गर्ल्स के लिए सरप्राइज है. वो कौन दे रहा है सरप्राइज? ओके जोस बुक्स वॉज क्रिम्सन. जो की जो बुक थी, जो इज अ गर्ल ना, जो की जो बुक थी वो क्रिम्सन कलर में थी. क्रिम्सन मीन्स होता है बेटा डार्क रेड, रेड कलर का. ओके मैक्स वॉज ग्रीन. मैक की बुक का कवर कैसा था? ग्रीन कलर का था, उस पर जो रैपर लगे थे. ओके नेक्स्ट एमीज वॉज ब्लू. एमी की बुक का कवर क्या था? ब्लू कलर का था. एंड बेथ वॉज वाइट. और बेथ की बुक का कवर वाइट कलर का था. मीन सबको सबके पसंद की कलर्स के कवर लगे हुए बुक्स मिले थे. अंडरस्टूड? देखिए अब ये गिफ्ट्स किसकी तरफ से ये देखते हैं हम. द गर्ल्स वॉज डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स मच हैप्पी. गर्ल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं टू फाइंड देयर फेवरेट कलर्स बुक्स. ओके दे रैन डाउन टू थैंक देयर मदर फॉर द गिफ्ट्स. मेरी क्रिसमस ममा, थैंक यू फॉर आवर बुक्स. दे ऑल क्राइड इन कोरस. अब उनको पता चल जाता है ये गिफ्ट किसकी तरफ से है? ममा की तरफ से है. वो नीचे जाती हैं अपने रूम में से, वो नीचे आती है माँ के रूम में और गिफ्ट्स के लिए वो माँ को थैंक यू बोलने के लिए वो ग्रीटिंग करती हैं. हैप्पी मैरी क्रिसमस ममा, मतलब क्रिसमस की बधाई देती हैं ममा को. एंड ऑल्सो दे सेड थैंक यू फॉर आवर बुक्स. बुक्स के लिए थैंक यू बोलती हैं. दे क्राइड इन कोरस. सभी एक साथ ही बोलती है. कोरस मीन्स होता है एक समूह में बोलना, ग्रुप में बोलना.
अंडरस्टूड. नेक्स्ट, मम्मा वाज बोथ सरप्राइज एंड टस्ट. मम्मा जो थी अब सरप्राइज थी टू नो द गुड बिहेवियर ऑफ हर डॉटर्स. मतलब इनकी बच्चियाँ इतनी अच्छी हैबिट वाली थी, इतना अच्छे से प्यार से आके मम्मा को मैरी क्रिसमस बोल रही हैं. मम्मा सरप्राइज होती हैं एंड टच्ड. टच्ड मीन्स होता है उन मतलब अपनी बच्चियों की जो क्वालिटी है वो माँ के दिल को छू जाती है. माँ बहुत ही खुश हो जाती हैं अपनी गर्ल्स पे, वो प्राउड फील करती हैं. ओके नेक्स्ट, एंड सी स्माइल विद हर आईज फुल. देखिए बेटा ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस फ्रेसेज है. सी स्माइल्ड विद हर आईज फुल, मतलब यहाँ पे क्या वो हंसती हैं विद हर आईज फुल, लेकिन आंखें भर आती हैं. व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेसेज? आपने देखा होगा ना, जब कभी भी हम ओवर हैप्पी होते हैं तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं ना. कभी कोई चीज़ आपकी, कोई ड्रीम पूरा हो जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, तो वो ड्रीम पूरे होने पर क्या होता है, आप खुशी से उछलते हो बट आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं. हम कहते हैं रो रहे हैं, खुश हैं इतने कि रो रहे हैं. तो ये क्या होता है, खुशी के आंसू होते हैं. सो माँ की आईज में जो टीयर थे वो क्या थे, हैप्पीनेस, हैप्पी टीयर्स थे. ओके क्यों माँ किस तरीके से, माँ की सिचुएशन क्यों है, क्योंकि उन्हें अपनी गर्ल्स पर प्राउड फील हो रहा है कि उनकी गर्ल्स बहुत ही, उनकी जो डॉटर्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं. ओके नेक्स्ट, सी लुक्ड एट ईच प्रेजेंट्स एंड रीड द लिटिल नोट्स द गर्ल्स हैड रिटन. क्यों उनकी आंखों में आंसू आते हैं, रीज़न क्या है, यहाँ पे माँ के लिए जो गर्ल्स थी वो गर्ल्स भी तो गिफ्ट लेकर आई थी ना, तो वो भी उनको मदर को गिफ्ट देती हैं. और उसने उन्होंने किया क्या है, माँ के लिए एक टाइटल निकाला है. मतलब जैसे आप लोग भी किसी को गिफ्ट करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, तो कोई टाइटल लिखते हैं ना विश करते हुए, कोटेशन डालते हैं. सो ऐसे ही गर्ल्स ने अपनी माँ के लिए लिटिल नोट्स लिखे हैं, अपनी माँ के लिए अपनी इमोशंस को शेयर किया है. ओके ये पढ़कर माँ की आंखें भर आती हैं. ओके क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डिड द मदर स्माइल विद हर आईज फुल. अभी मैंने आपको बताया कि माँ ने आंखों में आंसू भर कर क्यों हंसे, इट वॉज द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस. ओके ये खुशियों के आंसू थे. अंडरस्टूड? ओके नेक्स्ट, सी ओवर द स्लीपर्स एंड पुट द न्यू हैंकरचीफ इन हर पॉकेट वेल सेंटेड विद एमीज कॉलन. लास्टली सी पुट ऑन द नाइस ग्लव्स. अब जो गर्ल्स ने गिफ्ट दिए थे माँ को, सबसे पहले वो स्लीपर पहनती है. स्लीपर कौन दिया था, गेस करिए स्लीपर कौन दिया है, स्लीपर दिया है जो ने. ओके तो जो के गिफ्ट स्लीपर है, माँ उसको पहनती है, हैंकरचीफ को पॉकेट में रखती है एंड वेल सेंटेड एमीज कॉलन. और एमी ने जो परफ्यूम का बॉटल दिया है वो बॉटल्स को मतलब सेंट को अपने ऊपर स्प्रे करती है. लास्टली सी पुट ऑन द नाइस ग्लव. और अंत में वो जो एक ब्यूटीफुली जो ग्लव्स आए थे उसको पुट ऑन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना. ओके पुट ऑफ मीन्स होता है निकालना, तो पुट ऑन मतलब वो पहनती है ग्लव्स को हाथों में. अब माँ अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो गई हैं अपनी बच्चों द्वारा गिफ्ट्स पाकर. ओके सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर एंजॉइंग इन दिस स्टोरी. सो नेक्स्ट स्टोरी, हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन. आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड एंजॉय योर स्टडी.